नमस्कार दोस्तों, अंतर्मन के इस प्रोग्राम में आप सभी का मैं मनी गुप्ता स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का विषय है, हमारे एक श्रोता है जिन्होंने अपना मैसेज, अपनी समस्या हमसे शेयर की है। उनका कहना ये है कि जब वो सवेरे उठती हैं, जब वो सवेरे सोकर उठती हैं, तो उनका मन उदास, निराश और हताश तथा उनका मन भारी हो जाता है, नकारात्मक बातों से उनका मन भर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या समाधान है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वेलनेस काउंसलर एंड मेडिटेशन ट्रेनर संदीप कुमार वैश्य जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। धन्यवाद। जैसा कि आप सबको बता दें कि ये प्रोग्राम स्वचिंतन मेडिटेशन के द्वारा प्रसारित किया जाता है, जिसमें हम मन से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करते हैं। इस प्रोग्राम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको मन से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आज का विषय है संदीप जी, कि हमारे एक श्रोता है जिनकी बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझती हूँ कि काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी ऐसी समस्या होगी। तो जब भी वो सवेरे उठती है तो क्या होता है कि उनका मन उदासी से भरा हुआ होता है, उदास हो जाता है, उठते ही उनका मन उदास हो जाता है, कहीं ना कहीं निराशा उनको घेर लेती है। इसकी वजह क्या है, आखिर क्यों होता है ऐसा, और क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ जी, बहुत गहरा प्रश्न है और बहुत बड़ी समस्या भी आप कह सकते हैं। और इस समय मैं ये मानता हूँ कि ये एक दो लोगों में नहीं, और अगर इस चीज का सर्वे किया जाए जी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक अधिक से अधिक लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जी रही। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं कि ये बहुत ही आम इन द सेंस, मतलब हल्की फुल्की भी समस्या नहीं है ये। और ये आजकल लोगों के साथ घटित भी हो रहा है। सुबह जब उठते हैं, मुझसे भी कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम शेयर की है कि ऐसा होता है जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो उस समय जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो वो भी अपनी समस्याओं में एक समस्या ये भी हमें इंगित करते हैं जी, कि हमें ऐसा भी अधिकतर दिनों में होता है इवन जी। सो इस तरह की समस्या से निजात पाने के भी कुछ तरीके हैं और इसके कुछ कारण हैं। पहले हम कारणों पर यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमें इन समस्याओं से जूझना पड़ता है, इस प्रकार की जो पर्टिकुलर समस्या है जी। बिल्कुल संदीप जी, आप कारण बताएंगे। तो फर्स्ट ये है कि टू थिंक अबाउट प्रीवियस डे। कभी कभी जैसे ही हम मॉर्निंग में उठे है ना, फर्स्ट जो सोच आती है प्रीवियस डे में तुरंत चले जाते हैं, मतलब पिछले दिनों की बातें जो है वो हम सोचने लग जाते हैं। पिछले दिनों में तुरंत हम चले जाते हैं, तुरंत चले पिछले दिन अगर कुछ ऐसा हुआ है कभी कभी, या फिर हालांकि ठीक है रोज क्या है, हम लोग अपना दैनिक कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है या कुछ आशा निराशा भी रह जाती है जी। लेकिन मॉर्निंग उठते ही अगर हम प्रीवियस डे में तुरंत अपने आप को स्विच ओवर कर लेते हैं तो ये भी एक प्रमुख कारण होता है कि जैसे कि आप मॉर्निंग में उठे सुबह जी, और तुरंत आपका जो मूड है वो स्विंग करके तुरंत स्विच ओवर हो गया, प्रीवियस डे में। Right. अब क्या होता है कि प्रीवियस डेज में जैसे ही गया और कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ होता है अगर प्रीवियस डेज में, तो वो आपके दिमाग में तुरंत स्विच ऑन हो जाता है जैसे कि स्ट्रेस का जी। और आप एकदम फिर से निराश, हताश, आपके अंदर एक प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट मतलब ऑब्जर्व किया जा सकता है जी। ऐसा होता है। सो ये एक कारण है। दूसरा कारण देखते हैं कि एनी परमानेंट प्रॉब्लम परसुइंग यू। दूसरा कारण ये है कि कोई भी हो सकता है एक महीने से या दो महीने से कोई परमानेंट प्रॉब्लम आपके साथ हुई रही है, कंटिन्यूअसली आपके साथ चल रही है, आपका पीछा कर रही है और आप उससे जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं, रोज कहीं आपकी एनर्जी लग रही है उसमें है ना, आप कोशिश कर रहे हैं, आप भाग दौड़ कर रहे हैं उसके बारे में।
सो दूसरा कारण वो भी एक अहम हो सकता है कि हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो रही हो कहीं ना कहीं। इसीलिए सुबह उठते ही वो चीज जो है वो अपना प्रभाव डालती है है ना। ये था सेकंड रीजन जी। तीसरा रीजन है, अभी हम आपको रीजन बता रहे हैं, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन आपको है ना कि क्या सोल्यूशन है। थर्ड रीजन ये कि नेगेटिव थॉट्स अबाउट ऑफिस होम या बिजनेस है ना। तीसरा कारण ये भी है, नेगेटिव थॉट्स में देखिए क्या आता है कि हम मतलब जैसे ही अपने मॉर्निंग में उठे तो कुछ बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, जैसे ऑफिस को लेकर के या घर को, लेकिन उसको सोच करके हम तुरंत नकारात्मक चीजें सोचने लगे कि नहीं आज तो घर में ऐसा भी हो सकता है, या फिर आज तो ऑफिस में हमारा बॉस हमको ऐसे भी सुना सकता है, या उस प्रकार भी हो सकता है ना। मतलब कई बार ऐसा होता है या ऐसी सिचुएशन होती है कि घर में या ऑफिस में कुछ नेगेटिव मतलब वातावरण हो, नेगेटिव वातावरण कुछ वहां का ऊपर नीचे का हो रहा हो, इस वजह से भी कई बार क्या होता है कि उसका इफेक्ट हमारे माइंड पर आता है, हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। ये हो जाना नकारात्मकता कि ऑफिस में आज ऐसा हो सकता है, हम बहुत जल्दी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि हमारी लीव्स अप्रूव ना हो, है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं ना, हो सकता है कि आज हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्क मिल जाए, या फिर हमको ही क्यों मिलता है एक्स्ट्रा वर्क, दिस काइंड ऑफ, या ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि आज हो सकता है बॉस से हमारी कुछ झड़प हो जाए, या फिर कुछ ऊपर नीचे हो जाए। तो बहुत सारी चीजें क्या होता है कि हमारे अपने मन के कारण यानी अपनी कमियों के कारण क्या होता है, हम नकारात्मकता क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट करने लगते हैं, वी स्टार्ट टू क्रिएट नेगेटिव थॉट्स हम खुद में क्रिएट करने लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है या नहीं है, अभी तक ये डिसाइड नहीं है, बट वी स्टार्टेड इट फ्रॉम आवर ओन साइड, हम अपनी तरफ से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थर्ड रीजन है, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन होता है कभी कभी, ये 60-80% करीब करीब लोगों में होता है, पाया जाता है, दिक्कत दिखा जाता है कि हम अपने आप से सोचने लगते हैं, उन सब चीजों का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी सोचने लगते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था कल, हम अपने कॉलोनी में निकले थे, उन्होंने इस प्रकार मुझसे कहा था ऐसा, है ना, तो हो सकता है आज भी हो जाए, आज भी हमारा झगड़ा हो जाए किसी से हो जाए, है ना। सो अगर ऐसे, हालांकि हाँ उसके पीछे वो इंसिडेंट या कुछ ऐसी घटनाएं जिम्मेदार है, होती है वो हमारी मेमोरी में रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन हम अगर बहुत ज्यादा उसको सोचेंगे तो क्या होगा, वो नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी रहती है। फोर्थ वन इज दैट स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एनी पर्सन सिचुएशन या पर्टिकुलर एटमोसफेयर, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के, या फिर किसी परिस्थिति को लेकर के, या किसी वातावरण को लेकर के हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस है, तनाव है ना, किसी एक विशेष व्यक्ति को लेकर के, हो सकता है वो कॉलोनी में हो आपके, या मोहल्ले में हो, या फिर कहने का मतलब आपके ऑफिस में हो, या बिजनेस जहां पर वर्क करते हैं आप, तो कोई ना कोई एक बंदा होगा, है ना जी, जिसको आप कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं कि शायद वो ठीक व्यवहार नहीं करता है, या उसके साथ आपका बनता नहीं, उसका एटीट्यूड बहुत सही ना हो आपके साथ, ये कारण हो सकता है। तो मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं तो क्या होता है, तुरंत उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इमेजिनेशन आपके दिमाग में तुरंत चलने लगती है, और वो आपको कहीं ना कहीं उदास कर देता है, आप तुरंत उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, देखिए, है ना। और फिफ्थ जो रीजन है वो वास्तव में एक ऐसा रीजन है, कहते हैं एनी क्रॉनिक डिसीज, जैसे कोई आपको एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे काल से चल रही है, या आगे की तरफ डॉक्टर ने बताया है, तो क्रॉनिक डिजीज जो आपकी एक जो क्रॉनिक डिजीज है वो आपके ऊपर हावी हो वो जाती एक कारण है, बन सकती है, क्योंकि कोई भी डिजीज है अगर आपके आपकी मतलब आपके शरीर के साथ, तो वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं हावी होती है, right. तो ये भी एक स्ट्रेस की वजह हो सकती है। सुबह मॉर्निंग में आप जैसे ही जगह आपको याद आ गया कि हमें भाई ये पर्टिकुलर डिजीज है, करेक्ट। सो ये फाइव रीजंस थे आपको मैंने बताया, ये जो थे ये मेजर रीजंस थे, है ना, और भी रीजन मोस्टली जो होती है जिसमें ये कवर हो जाते हैं जिसमें सारे, हाँ जी। अब हम आपको सोल्यूशन बताएंगे कि इससे कैसे निजात पाए, और बहुत ही सावधानी से आप सुनिएगा, और ये आप इसको कई बार सुनिएगा, आप जब भी अंतर्मन सुनते हैं, तो मैं अपने सारे दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बातें होती है, मतलब हमारे जितने भी श्रोतागण हैं,
हम लोगों की जितनी होती है यहाँ पर चर्चाएं जी, वो बहुत ही गहन चर्चाएं होती हैं, वो अंतर्मन से जुड़ी हुई होती हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी बुक से देख के या फिर कोई मतलब ऐसे रिसोर्स से देख करके जो इतना ज्यादा ऑथेंटिक ना हो। हमारे श्रोताओं से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आप अपनी भी समस्या हमें शेयर कर सकते हैं। जैसा कि संदीप जी ने कहा कि यहाँ पर जो भी चर्चा होती है वो प्रैक्टिकल होती है, कहीं से उठाकर कोई भी चीज आपको यहाँ पर नहीं बताई जाती है। प्रैक्टिकली आप उसे टैली कर पाएंगे, अपने रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से। ऐसी चीजें जो है हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं। सो अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और सुनते रहिए अंतर्मन। हाँ जी, तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये रीजंस हैं। तो जो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो फर्स्ट मैं आपको यही बताऊंगा, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, गेट अप इन द मॉर्निंग, गो टू जस्ट फ्रेश एंड टी, है ना, टी आप लें या कुछ स्नैक्स जो भी आपको थोड़ा सा मॉर्निंग में आपको लगता है। जैसे आप मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं जो फर्स्ट चीज आपको करनी है, आप अपने आप को थोड़ा सा संतुलन में रख के सबसे पहले आप फ्रेश होने जाएं, है ना, थोड़ा सा अपना चेहरा धुलें, थोड़ा फ्रेश, अगर होना है वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाके, फिर होने के बाद कुछ देर शांत मुद्रा में बैठें। आप टी भी ले सकते हैं अगर चाय आप पीते हैं, है ना, आप चाय लें और कुछ देर शांत मुद्रा में बैठें, एकदम ध्यान की मुद्रा में जिसको कहते हैं ना, कुछ क्षणों के लिए आप अपनी कोशिश करें, आप सारा ध्यान हटाने की कोशिश करें। अगर आपका प्रीवियस डे में जा भी रहा है आपका मूड, लेकिन कुछ समय के लिए आप क्या करें, कोशिश करें कि आप फिर से उसको फोकस करें प्रेजेंट मोमेंट में, एकदम प्रेजेंट मोमेंट कि आप तुरंत उठें और फ्रेश होने लगे। और जब फ्रेश आप होने लगेंगे कहीं ना कहीं आपका दिमाग क्या रहेगा, डाइवर्ट रहेगा, हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या रहता है, जब आप कोशिश करेंगे तो आप प्रेजेंट में एब्सोल्यूट मोमेंट में रहने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर अपने आप को खींच सकेंगे, खींच सकेंगे, कर सकेंगे, ठीक है। दूसरी चीजें जो दूसरा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि इफ एनी ओनर्स आर टास्क कमिंग इन योर माइंड, जस्ट नोट डाउन, राइट। अगर कोई भी कार्य, कोई भी ओनस आपके माइंड में आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि नहीं आज ही करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सो आप एक छोटी सी लिस्ट बनाइए, उसमें नोट कर लीजिए, किसी भी नोटबुक में आप उस दिन की डेट डाल के नोट कर दीजिए और फिर उसको फिनिश करके किनारे रख दीजिए फिर आप जी। थर्ड जो चीज है वो है डू लिटिल स्टडी ऑफ योर फेवरेट बुक और न्यूज़पेपर, राइट जी। आप मॉर्निंग में उठकर की जो आपकी फेवरेट बुक है, एकदम आपकी कोई ना कोई फेवरेट बुक होगी, है ना, हो सकता है किसी अच्छे महापुरुष की हो या फिर किसी अच्छे रिलीजन से जुड़ी हो या फिर स्पिरिचुअल टाइप की भी बुक हो सकती है, है ना, आप उसको जरूर पढ़ें, चाहे आप एक पेज ही क्यों चाहे आप एक पेज का एक लाइन भी आप पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें जरूर, राइट। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं थॉट फॉर टुडे जैसे कि होता है ना, उस दिन के लिए एक आपको एक खुराक सी जैसे मिलेगी, भले आपका माइंड उदास है, हाँ आपका मन नहीं कर रहा है कुछ करने, हाँ, का नेगेटिविटी आपको घेरे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को भारी महसूस कर रहे हैं, फिर भी ये सब चीजें होने के बावजूद भी हाँ, आप सबसे पहले उठे और जैसा कि संदीप जी ने सबसे पहले बताया कि आप उठे, थोड़ा सा फ्रेश हो और आधा कप, एक कप, जैसा भी आपको क्वांटिटी चाहिए, आप टी लें या गर्म पानी लें, हाँ जी, और उसके बाद फिर आप अपनी जो भी फेवरेट बुक है उसको आप पढ़ें जरूर, फेवरेट बुक आप उठाएं और उसको पढ़ें, उसके अंदर अपना थोड़ा सा ध्यान जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप फेवरेट बुक उठाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी, आपकी एनर्जी
डाइवर्ट होके जो फोकस हो जाएगी आपकी, बिल्कुल फोकस होगी आपकी एनर्जी। और चाहे उसमें से आप एक लाइन पढ़ें, एक लाइन से लेकर एक पेज आप पढ़ सकते हैं, दो पेज पढ़ सकते हैं, जितना अच्छा लगे। और प्लस न्यूज़पेपर उस दिन का, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर आप उठाएं और न्यूज अपना पढ़ लीजिए। क्योंकि ये रहता है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस दिन का, तो आपको आपके आसपास जितनी भी गतिविधियां रहती हैं उसको कहीं ना कहीं हल्का फुल्का अपने माइंड में रख लीजिए, और कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जो मन आपका किसी रीजन से उदास हो रहा था, वो मन आपका डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए उसका रीजन ये बता रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे हमने यहाँ पर चर्चा की थी दो नंबर में, कि कोई भी परमानेंट प्रॉब्लम हो सकता है आपको दो तीन महीने से साथ साथ चल रही हो, राइट। तो बहुत ज्यादा अगर हम सोच लेते हैं उसको, तो उसका परिणाम क्या होगा, हम और हो सकता है कि परेशान हो जाए, हताश हो जाए। लेकिन उसी जगह पर क्या होगा, हम थोड़ा चिंतन मनन करें उन सब चीजों का, ठीक है। तो मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा हम सकारात्मक अप्रोच करें, सकारात्मक सोच की ओर बढ़ें। और फोर्थ थिंग क्या है कि गो टू बेडिंग एंड ब्रेकफास्ट। फिर आप देखिए अपना ध्यान क्या करें कि किसी न किसी ने जो एक शेड्यूल बना हुआ है, आपने लिख रखा है कुछ जो रोज करना ही करना है, उसमें आप अपने आप को पुश करते रहिए। जब आप पुश करते रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन की ओर बढ़ती जाएगी, राइट, एक पॉजिटिव डायरेक्शन। सो आप अपना फ्रेश होइए, है ना, पूरी तरीके से स्नान ध्यान करिए उसके बाद। एंड फिफ्थ वन इज दैट विच इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टॉप नेगेटिविटी एंड प्री थिंक। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जो भी नकारात्मकता चल रही है आपके अंदर, है ना, उसको कहीं ना कहीं सकारात्मकता का मूड देना है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हो सकता है ऐसा घटित हो, होना नहीं होता है, तो आप उन सब चीजों की ओर ये सोचें, उसकी जगह ये सोचें कि अभी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, जी, ये जरूरी तो नहीं है ऐसा हो जाए। जब आप ये लॉजिक अपने मन को देंगे, क्योंकि आपका जो मन है वो भी बहुत तेज है आपका मन, बहुत ना? ज्यादा तेज, लेकिन अगर उसको आपने एक लॉजिक दे दिया तो कहीं ना कहीं वो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर आप अपने मन को लॉजिक दें कि ये जरूरी तो नहीं है ऐसा हो, मतलब होने वाली अभी हुई नहीं है वो चीज, लेकिन होने वाली है, अगर ऐसा सोच के हम उदास हो जाते हैं, प्रीऑक्यूपाइड, है ना, कहीं ना कहीं पहले से ही, है ना, पहले से ही हम सोच लेते हैं, फिर अज्यूम कर लेना, उदास हो जाना। सो आप अपने मन को ये लॉजिक दें कि ये जरूरी तो नहीं है ऐसा हो, है ना, राइट। जैसे ही आप ये लॉजिक देंगे, आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा, बिल्कुल तुरंत आपका न्यूट्रल होने लगेगा, सकारात्मक। फिर उसके बाद क्या है कि आप हल्का फुल्का मेडिटेशन या फिर ब्रेकफास्ट के पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लें आप, उससे भी उससे आपको एक सच्चाई बताएं कि जो मैंने स्टडी किया है कि अगर कहते हैं अगर मिनिमम आप 3 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, right, तो एक प्रकार का हार्मोन जनरेट होता है आपकी बॉडी में, okay, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होता है कहीं ना कहीं, वो हार्मोन। 3 मिनट की एक्सरसाइज, करेक्ट, 3 मिनट भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं, जैसे कि आपने हाथ पैर डुला ही लिया, थोड़ा हिला डुला लिया ना, तो आपको वो हार्मोन कहीं ना कहीं अचीव हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो ये कोशिश करना, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या है कि अगले नंबर पर, 7th नंबर पर, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि शेड्यूल बनाकर ही काम करें, तो आप तुरंत अपना माइंड ना शेड्यूल पर फोकस कर दीजिए कि भाई जो हमारा शेड्यूल है हम उसको ही फॉलो करेंगे और एक एक काम करके हम उसको निपटाते जाएंगे। एंड गिव रिलैक्सेशन इन रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, बीच बीच में आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी करते रहें, मतलब ब्रेक्स लेते रहें। चाहे आप घर पे हैं, अगर ऑफिस भी नहीं गए हैं, हाँ जी, घर में भी है, तो भी आप अपने आप को थोड़ा ब्रेक देखते के काम करते रहें। अब देखिए मैं इसका कनेक्शन यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, मैं उठा हूँ मॉर्निंग में और हमारा रीजन क्या था मॉर्निंग का, कि हम उदास हो जाते हैं। अब इसको मैंने कनेक्ट किया कि आपके स्ट्रेस से लेकर के अपनी रूटीन को इंटरेस्टिंग बनाने जैसा, ठीक है, राइट। अब आज का अगर फुल डे हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लिया मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, तो क्या होगा, यही जो नेक्स्ट डे आएगा इसका इफेक्ट जी, ये आपका आंसर हो गया, राइट, ठीक है। अब इसी को आपको नेक्स्ट डे फॉलो करना है, राइट, राइट। सो क्या हो गया कि जो उदास सा हो जाता है, क्योंकि उदास जो होता है उसका रीजन क्या होता है, हमारी हिस्ट्री,
पास्ट डे, हमारा पास्ट डे राइट। और जैसे ही आपने उसको इम्प्रूव कर दिया है ना, और कभी कभी क्या होता है आप अधिकतर लोगों से पूछिए तो वो लोग ये रीजन नहीं बताएंगे, वो क्या कहेंगे तुरंत आपको हो सकता है बताने लगे कि अच्छा कि आप अपने मॉर्निंग में उठ करके गाने सुनिए, ये सुनिए, वो सुनिए, वो ये नहीं। अगर आपको बहुत जिसने ऑब्जर्वेशन की है वही बताएगा कि कहीं ना कहीं इसका जो पिछला कनेक्शन है वो सही कर दिया जाए। मोस्टली लोग ये बताते हैं संदीप जी कि आप सवेरे उठ के पार्क में जाइए, रनिंग करिए, आप जिम में जाइए, है ना, एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ लगाइए, तो ये सारी चीजें मोस्टली लोग बताते हैं। तो ये चीज आप उस समय कर सकेंगे जब आपका मन खुश रहेगा थोड़ा सा, है ना, राइट। इसके पहले आपको अपने मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, और वो छोटी छोटी चीजों से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और वो सारी चीजें इंसान नहीं कर पाता है। वो सब चीजें तो तभी इंसान कर पाएगा ना जब उसका मन ठीक होता जी है। जी हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए कहा गया कि सकारात्मकता हमारे अंदर जैसी आने लगेगी, पॉजिटिविटी, वैसे ही ये सारे काम तो चुटकियों में करने लगेंगे, ये सब नेचुरली करने लगेंगे। फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि आप सारे दिन में 2 या 3 बार कम से कम आपकी लाइफ में जो 2 or 3 days ऐसे करके, 2 or 3 times जो अगर हुआ है ऐसा कुछ, विजुलाइज करें कि जो सबसे अच्छा दिन बीता है। कभी कभी होता है ना अपनी लाइफ में ऐसा दिन जिस दिन मतलब हम बहुत खुश हुए हों, वो आप याद अच्छा करिए, बहुत कुछ अच्छा सब था, कुछ सब लोग खुश थे, सब आसपास के लोग खुश थे, आपको अच्छा था, आपको कोई अचीवमेंट हुआ, अचीवमेंट हुआ था, तो आप उस दिन को विजुलाइज करें, है ना, उसके साथ साथ वो भी एनर्जी आपके पास खींच कर चली आएगी जो आपने उस अचीवमेंट में लगाया होगा। इसके पीछे ये लॉजिक है कि जैसे आपने कभी आपने फर्स्ट डिवीजन लाए थे कभी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या बीए या बीएससी में, राइट। सो अब आपको याद, उसके साथ से ये भी याद आएगा कि देखो हमने कितनी पढ़ाई की थी, रात में जग कर या दिन में जग कर, या फिर देखो मतलब ऐसे ऐसे, तो वो एनर्जी आप फील कर पाएंगे, वो एनर्जी आप फील कर पाएंगे, और देखो उसका हिस्सा आपको यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा, राइट। और जिससे आपका जो नॉर्मल डे है वो नॉर्मल डे नहीं रह जाएगा, यूनिक डे हो जाएगा, राइट। और लास्ट बात हम आपको बताकर यहीं पर एंड करेंगे कि आप एक डायरी जरूर रखिए अपने पास, एक डायरी रखिए, और जब भी कोई अच्छी बात आपके दिमाग में आए तो उसको नोट डाउन जरूर करिए, और नोट डाउन करके अगले दिन मॉर्निंग में, है ना, मॉर्निंग में अगर आपको लगता है कि वही डायरी हमें पढ़नी चाहिए, तो आप मॉर्निंग में मुश्किल से 2 या 3 मिनट में उन सारी पॉइंट्स को जो आपने पिछले दिन लिखा है उसको आप रिवाइज कर लें, रिवाइज कर लें। फिर देखिए, आप देखिए आपको कनेक्शन बताया कि आप जो अब आपने आज किया है ना, हाँ, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो आपका नेक्स्ट डे में चला जाएगा, नेक्स्ट डे में आ गया। तो अब आपका नेक्स्ट डे पूरा फिर से, फिर उसका जो नेक्स्ट डे आया, उसका जो नेक्स्ट डे आया, वो सब फिट होता चला जाएगा। अच्छा, जब आप सेटिस्फाइड होंगे आप अपने पूरे दिन की रूटीन से, तो 100% आपका आने वाला जो दिन होगा वो पूरी तरीके से फिट होगा, खुशहाल होगा, है ना, कहीं ना कहीं सकारात्मकता भरा हुआ होगा। तो इसका रीजन यही था कि हम पिछले दिनों में जो कर रहे हैं, या फिर हमारा दिन इंटरेस्टिंग हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आपका दिन इंटरेस्टिंग आपने बना दिया है तो नेक्स्ट डे भी क्या मन करेगा आपका, सेम डे आएगा कि ऐसा ही दिन में फिर से रिपीट, जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल तरीके से समझाने के लिए। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा, कल मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आप सब से यही आशा करती हूँ कि अंतर मन का प्रोग्राम आप देखते रहिए, हमारे सारे एपिसोड हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।